गाजियाबाद में बड़ा हादसा, भाटिया फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, एक की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर लालकुआं से घंटाघर कोतवाली की ओर जा रही एक निजी बस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। इसके बाद बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी ओर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा से निजी कंपनी का स्टाफ लेकर लाल कुआं से घंटाघर कोतवाली की तरफ जा रही थी। बस जैसे ही भाटिया मोड़ फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची, तभी बस का टायर फट गया। इससे अनियंत्रित हुई बस ने एक बाइक सवार युवक में टक्कर मार दी। इसके बाद बस घिसटते हुए फ्लाईओवर का डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी ओर सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। फ्लाईओवर के नीचे दुकानों पर नवरात्रि के कारण लोगों की काफी भीड़ थी, जिस पर बस जाकर गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से निकाला और अस्पताल भेजा। इसके लिए मौके पर 4 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात रही, ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जिला अधिकारी और SSP भी पहुंच गए और बचाव कार्य में तेजी लाई गई। 10:15 बजे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी मौके पर पहुंच गए। SSP ने इस दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत होने की आशंका जताई गई है। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। कुल 10 घायलों में 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन घायलों को जिला अस्पताल यशोदा और सुदर्शन अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। प्रथम TV News India गाजियाबाद के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।